हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो जैसा कि आपको पता है, हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम जून 2019 के अंदर जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज बिजनेस फाइनेंस। सो अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रेगुलरली मिलती रहे। सो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या कह रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द डिसीजन आउटकम ऑन इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वेरी अंडर एनपीवी एंड IRR मेथड। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, देखिए आपको कैपिटल बस्टिंग करना पता होगा, मेजर दो टेक्निक्स हैं NPV एंड IRR मेथड। तो यहाँ पे देखिए NPV एंड IRR का जो डिसीजन रूल होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को लेकर, वो कॉन्ट्रेडिक्टरी रिजल्ट दे सकते हैं। और ये कौन से सिचुएशन के अंदर दे सकते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, टाइम डिस्पैरिटी, कॉस्ट डिस्पैरिटी, लाइफ डिस्पैरिटी एंड वॉल्यूम डिस्पैरिटी। तो यहाँ पे अगर टाइम के अंदर डिस्पैरिटी हो, कॉस्ट के अंदर हो, लाइफ के अंदर या वॉल्यूम के अंदर हो, तो इन सब केसेस में हो सकता है कि वो NPV एंड IRR मेथड के अंदर कॉन्ट्रेडिक्टरी रिजल्ट्स आए। तो पहले हम ये समझते हैं ये चारों टाइप की डिस्पैरिटी है क्या, इसके बाद हम समझेंगे कि इनमें से किस पे NPV एंड IRR कॉन्ट्रेडिक्टरी रिजल्ट्स देते हैं। तो देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, पहला है टाइम डिस्पैरिटी। देखिए टाइम डिस्पैरिटी क्या होता है, मान लीजिए दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसका रिटर्न इनिशियली ज़्यादा आ रहा है और लेटर स्टेजेस में कम आ रहा है। सिमिलरली अगर प्रोजेक्ट बी के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसका रिटर्न इनिशियली कम आ रहा है बट लेटर स्टेजेस में ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका रिटर्न आ रहा है उसके अंदर जो डिस्पैरिटी है इसको बोला जाता है टाइम डिस्पैरिटी। सेकेंड है आपका कॉस्ट डिस्पैरिटी। तो कॉस्ट डिस्पैरिटी नाम से क्लियर है, देखिए मान लीजिए प्रोजेक्ट ए के अंदर आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो रही है, दैट इज इन्वेस्टमेंट आउटले आपका 10 लाख रुपीज़ का है। और सिमिलरली अगर आपका प्रोजेक्ट बी के अंदर इन्वेस्टमेंट आउटले आपका 20 लाख रुपीज़ का है, तो ये आपका कॉस्ट डिस्पैरिटी के अंदर आएगा। थर्ड है आपका लाइफ डिस्पैरिटी। तो लाइफ डिस्पैरिटी के अंदर क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट की लाइफ, यहाँ पे प्रोजेक्ट ए की लाइफ है 10 इयर्स और प्रोजेक्ट बी की लाइफ है 15 इयर्स, तो ये आपका लाइफ डिस्पैरिटी के अंदर आएगा। वॉल्यूम डिस्पैरिटी, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, दैट इज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेसिस पे नहीं देखेंगे केवल उसको इस बेसिस पे देखेंगे कि कंपनी को उसके लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, कितना एम्प्लॉयज़ को और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो इन सब चीज़ों को वॉल्यूम डिस्पैरिटी के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे NPV एंड IRR, यहाँ पे टाइम, कॉस्ट एंड लाइफ डिस्पैरिटी, इन तीनों सिचुएशन के अंदर कॉन्ट्रेडिक्टरी रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, B and C। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो चलिए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलेवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म्स। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि जो नेट इनकम अप्रोच होता है वो ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन फॉर्म की वैल्यूएशन के लिए रेलेवेंट होता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, आपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ थ्योरीज पढ़ी होंगी, दैट इज नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, MM हाइपोथेसिस। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो नेट इनकम अप्रोच होता है इसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, वो रेलेवेंट माना गया है वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म के लिए। अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है डेब्ट एंड इक्विटी का। तो यहाँ पे बेसिकली आपका डेब्ट और इक्विटी का कितना कॉम्बिनेशन है, इसके बेसिस पे आपकी फॉर्म की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए यहाँ आपसे क्या बोला गया है, अ फॉर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लीवरेज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि फर्म अपनी वैल्यू को चेंज कर सकती है अगर वो लीवरेज के अंदर कुछ चेंज कर रही है। लीवरेज क्या है, मान लीजिए आपने डेप्ट ज़्यादा बोरो कर लिया फर्म की कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर और इक्विटी का पोर्शन कम है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, देखिए आपको पता होगा डेप्ट चीपर होती है कंपेयर टू इक्विटी, तो इससे बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कम हो जाएगा। जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा तो यहाँ पे रिटर्न बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यस ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ आपसे क्या पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको बतानी है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है और कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
तो देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है, हेज फंड्स आर नॉट म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड कैन बी सोल्ड टू पब्लिक, इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड मस्ट पे वेरियस फीस एंड एक्सपेंसेस, म्यूचुअल फंड प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो देखिए यहाँ पे इन चारों के चारों स्टेटमेंट के अंदर हेज फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स की बात की गई है। तो पहले हम ये समझेंगे कि हेज फंड एंड म्यूचुअल फंड्स के अंदर डिफरेंस क्या है, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए हेज फंड क्या होता है, हेज फंड, और यहाँ पे आपका आ जाएगा म्यूचुअल फंड। अगर हम बात करें हेज फंड की, तो हेज फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, ओके, HNI भी बोलते हैं इसको, हाई नेट इंडिविजुअल्स, दैट इज ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास काफी ज्यादा कैपिटल अवेलेबल है, वो यहाँ पे रिस्की इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इनको हेज फंड के अंदर रखा जाता है। म्यूचुअल फंड के अंदर स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे बेसिकली म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी होती है जिसको असेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहा जाता है। वो क्या करती है, लोगों से पैसे कलेक्ट करके उसको एक्यूमुलेट करके यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देती है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं और यहाँ पे हेज फंड के अंदर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, दैट इज उनके पास काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल है। तो यहाँ पे ये बेसिक सा डिफरेंस होता है हेज फंड के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि हेज फंड और म्यूचुअल फंड के बारे में क्या आगे बोला गया। हेज फंड्स आर नॉट म्यूचुअल फंड्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हेज फंड्स कैन बी सोल्ड टू पब्लिक, तो क्या हेज फंड्स को पब्लिक को सेल कर सकते हैं, नो। देखिए पब्लिक में यहाँ पे सारे पब्लिक आ जाएगी, बट यहाँ पे हेज फंड्स को केवल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ही सेल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड, इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड मस्ट पे वेरियस फीस एंड एक्सपेंसेस। तो देखिए यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको यहाँ पे फीस और एक्सपेंसेस देने होते हैं, किसको, असेट मैनेजमेंट कंपनी को। तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ, म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो यस, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। म्यूचुअल फंड आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोवाइड करते हैं, दैट इज यहाँ पे लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट कर सकती है कोई भी असेट मैनेजमेंट कंपनी, बिकॉज यहाँ पे वो कई सारे लोगों से फंड एक्यूमुलेट कर रही है। ओके, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको यहाँ पे दोनों के बारे में बेसिक सा डिफरेंस पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज डिसीजंस कम इन द एम्बिट ऑफ, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है और जो लीवरेज डिसीजंस होते हैं यह कहाँ पे आते हैं, बेसिकली इसमें कौन से मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजन। तो पहले हम बात करेंगे इन चारों डिसीजंस के बारे में, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हम लेते हैं, इसके बाद इसका आंसर देखेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका मेजर टॉपिक आता है कैपिटल बजटिंग। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, इसके अंदर आपका मेजर डिसीजन होता है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना, रिटेन करना है। थर्ड आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, कहाँ से फाइनेंस करना है, डेब्ट फाइनेंसिंग होगी या इक्विटी फाइनेंसिंग होगी या उसका कोई मिक्स होगा डेब्ट प्लस इक्विटी। तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, दैट इज कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके अंदर डेब्ट कितनी होगी, उसके अंदर इक्विटी कितनी होगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन, तो देखिए डिविडेंड डिसीजन डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन के अंदर ही आ जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर थ्री। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। मिलर और मॉडल इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ, तो देखिए यहाँ पे आपको एक मॉडल के बारे में बोला गया है और आपको ये बताना है कि ये मॉडल कौन से चीज से रिलेट करता है। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, इन्वेंटरी, लीवरेज, रिसीवेबल्स एंड कैश। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा मिलर और मॉडल के अंदर हम कैश मैनेजमेंट की बात करते हैं, दैट इज कितना ऑप्टिमम कैश किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास रखना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला भी उन्होंने दिया था और ये फॉर्मूला क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिए। देखिए यहाँ पे आपका होता है जेड इक्वल्स टू, जेड का क्या मतलब है, जेड का मतलब है ऑप्टिमम कैश बैलेंस इक्वल्स टू 3√3TV/4i। अब यहाँ पे ये टी क्या है, वी क्या है और आई क्या है। देखिए यहाँ पे आपका टी होता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वी होता है आपका डेली कैश वेरिएंस
और आई क्या होता है आपका, इंटरेस्ट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो यहां पे आपका टी डिनोट करता है आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वी डिनोट करता है डेली कैश वेरियंस, तो डेली आपका कैश यूज होता है उसके अंदर कितना वेरियंस है, और आई डिनोट करता है इंटरेस्ट रेट जो आपको रिसीव होगा अगर आप उसे इन्वेस्ट कर देते हैं कैश को। ओके, तो ये तीनों चीज पे आपका मिलर और मॉडल का फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए, आप ये फॉर्मूले के बेसिस पे आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, अ सेल और लीज बैक इज मोर सूटेबल फॉर लेजी हैविंग। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, सेल और लीज बैक कब सूटेबल होता है। पहले हम ये समझते हैं कि सेल और लीज बैक है क्या। देखिए यहाँ पे मान लीजिए दो फर्म्स हैं एक्स एंड वाई। यहाँ पे मान लीजिए एक्स के पास कोई भी असेट है, अब इसने असेट को वाई को सेल कर दिया, सेल कर दिया वाई को। अब मान लीजिए फिर इसके बाद एक्स ने क्या किया, वाई से वो असेट जो उसने सेल किया था उसको लीज पर ले लिया, सो दैट यहाँ पे वो प्रोडक्शन जो भी करना चाहता वो कर पाए। तो यहाँ पे बेसिकली एक्स ने उस असेट को फिर सेल ही क्यों किया था, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है लिक्विडिटी क्रंच की प्रॉब्लम हो, लिक्विडिटी क्रंच या कैश की प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी फर्म के पास कैश नहीं है, उसको असेट सेल करना पड़ रहा है उसकी वजह से, और यहाँ पे उसके बाद वो असेट को लीज पे ले रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली वो सेल एंड लीज बैक के बंदर आता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका आंसर क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी क्राइसिस, दैट इज यहाँ पे बेसिकली कंपनी के पास लिक्विडिटी क्रंच हो या कैश की प्रॉब्लम हो। ओके, चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे अटेंड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आपको दो लिस्ट के बने, उनको आपको मैच करना है। तो देखिए देखते हैं क्या क्या है, काफी सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो ये। देखिए नेट इनकम अप्रोच, अभी हमने नेट इनकम अप्रोच के बारे में डिस्कस किया था, ये कैपिटल स्ट्रक्चर से डील करता है। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ मैच करेगा ये। सेकेंड गॉर्डन्स मॉडल, तो गॉर्डन्स मॉडल आपका किससे डील करता है, डिविडेंड से डील करता है, दैट इज डिविडेंड आपका रेलेवेंट है वैल्यूएशन ऑफ फर्म के लिए या नहीं है, तो ये आपका मैच कर जाएगा फोर्थ के साथ। थर्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नाम से क्लियर है कैपिटल बजटिंग का पार्ट है। रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसको आप ईओक्यू भी लिख सकते हैं, यूपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज सूटेबल फॉर रिस्क रिटर्न एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। तो यहाँ पे इसमें से कौन सा सूटेबल है रिस्क रिटर्न एनालिसिस के लिए अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या गिवन है, कैपम, शॉर्ट, कैपिटल गेयरिंग एंड ईवी एनालिसिस। तो अभी पहले हम इन चारों को समझते हैं। देखिए कैपम क्या होता है, देखिए कैपम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बेसिकली एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और किसके बेसिस पे निकालते हैं, आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या है। तो यहाँ पे रिस्क रिटर्न एनालिसिस के बेसिस पे बेसिकली कैपम का फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसका फॉर्मूला होता क्या, देखिए रिस्क फ्री रेट प्लस रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट इंटू बीटा। बीटा आपका क्या डिनोट करता है, सिस्टमैटिक रिस्क। अब यहाँ पे ये चीज जो है आपकी, दैट इज मार्केट में से आप रिस्क फ्री रेट माइनस कर रहे हैं, तो ये होता है आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो इसके बेसिस पे आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला बेस्ड है। तो देखिए इसके अंदर आपका रिस्क के बेसिस पे रिटर्न का एनालिसिस किया जा रहा है, दैट इज यहाँ पे आपका जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है इसके बेसिस पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न मिलेगा वो ये निकाला गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए कैपम मॉडल। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं स्वॉट एनालिसिस की, कैपिटल गियरिंग की एंड ईवी एनालिसिस की। तो अगर हम बात करें स्वॉट एनालिसिस की, तो देखिए आपने बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर पढ़ा होगा, स्वॉट एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी कंपनी अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को चेक करती है स्वॉट एनालिसिस के बेसिस पे। तो ये आपका फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं है। थर्ड है आपका कैपिटल गियरिंग। तो कैपिटल गियरिंग क्या होता है, देखिए कैपिटल गियरिंग के अंदर हम कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज पर्टिकुलर डेप्ट और इक्विटी का मिक्स कैसा है, उसको एनालाइज करते हैं। तो इसके अंदर रिस्क रिटर्न एनालिसिस की बात नहीं की गई है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ईवी एनालिसिस, तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्या मतलब है, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो
तो यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट सेल करने से जो आपको रेवेन्यू हुआ है उसके अंदर से आप क्या माइनस करते हैं, अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, फिर जो फाइनली आपको नेट प्रॉफिट हुआ है तो क्या वो वैल्यू ऐड कर रहा है शेयर होल्डर्स को, ये चेक किया जाता है ईवी एनालिसिस के अंदर। काफी सिंपल क्वेश्चन था, कैपम एनालिसिस आपका इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ ए कंपनी शेयर इज ₹90 एंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर इज ₹4.5। तो यहाँ पे आपको देखिए करेंट मार्केट प्राइस गिवन है, तो P0 आपका हो जाएगा 90 और देखिए यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का गिवन है 4.5। ग्रोथ रेट आपको कितनी गिवन है डिविडेंड के अंदर 8% की, आपको निकालना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज K। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूला पता है यहाँ पे, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। तो काफी सिंपल सा ये फॉर्मूला है अगर डिविडेंड के अंदर ग्रोथ हो रही है तो। तो देखिए इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं आपका आंसर इजीली आ जाएगा। इसको पहले रिप्लेस कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला हो जाएगा D1/P0+G। तो देखिए इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा, D1 है आपका 4.5 ÷ 90 + 8%। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने पे आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 13% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फोर्थ होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कैलकुलेशन में टाइम लग जाए, बट यहाँ पे आप इजिली इसका आंसर निकाल पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला पता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपसे क्या पूछा गया, अ कंपनी इशू 10% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, द फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर इज ₹100 बट द इशू प्राइस इज ₹95। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो आपको प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट निकालना है। तो देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमें प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालनी है तो यहाँ पे उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय जो भी आपका इश्यू प्राइस होता है। तो इसके बेसिस पे आपका कॉस्ट ऑफ डिविडेंड निकल जाएगा। तो देखिए आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है, देखिए फेस वैल्यू 100 की है और 10% हमें डिविडेंड मिलेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ₹10 डिवाइड बाय इश्यू प्राइस कितना है 95। तो इसको आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, काफी सिंपल सा फॉर्मूला है, 10 को 95 से डिवाइड करना है, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। देखिए अप्रॉक्सीमेटली 10.52 के आसपास आएगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आपसे न्यूमेरिकल पार्ट्स के अंदर देखा गया कि एक से दो क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं आउट ऑफ टोटल 10 क्वेश्चंस। तो आप उसके अंदर अगर आपको न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आप लगा सकते हैं, इतनी ज़्यादा आपको टाइम की शॉर्टेज नहीं होगी। तो दैट्स ऑल, आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।